सबसे पहले तो मेरी YouTube फैमिली को हरियाली तेज की बहुत बहुत बधाई है। आज हरियाली तेज है। हाँ जी YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस जी ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग्स में। मेरे मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत हो चुकी है योगा से। करनी तो मैं स्टार्ट 5 बजे के आस पास लग जाती हूँ। 5:05 होते हैं, 7 मिनट उस टाइम पे मैं लगती हूँ करने। तो फिर चंदना होने के बाद मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। क्यों अंधेरे में तो फिर कुछ दिखाई ही नहीं देता, और ऐसे भूत से दिखाई देते। एक दो बार मैंने कोशिश करी है करने की। तो फिर मैं लगी थी अपने पौधा में पानी देने, प्याज प्यूज के छिलकियाँ के केला के, जिसमें जो देना था वो दिया था। देख कड़ी पत्ता, अगर किसने एक तो यूं लंबा जाता है, उसकी बजाय कई टहनियाँ बनानी है। जैसे मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया था, दो टहनी बन गई। अब यहाँ से ये प्रूनिंग ये और कर दिया, इतना ये प्रूनिंग कर दिया। अब यहाँ से दो तीन चल जाएंगे। पहले मैंने कराया हुआ है, एक इधर से चली हुई थी एक इधर से, अब इसकी और कर दी। दो दो निकलती रहेंगी ऐसे। और अगर थोड़ी सी और आड़ करना चाहे तो नीचे से कर सकते हैं। गहरा बनाना हो तो कड़ी पत्ते का ये है ना भूसी हा जो होता है ना, भारी पेड़ा बनाना है तो थोड़ा सा और बड़ा कर दे। तो ये थोड़ा बढ़ेगा फिर कर दूंगी मैं। टाइम हो गया 7:45, एक्सरसाइज होगी। सारे पौधे में पानी भी दे दिया, दूसरा पानी भी दे दिया, जो नीचे से लेके आई थी तो वो भी दे दिया। और धूप हो रही है तेज, पर आज ऊपर छत पे तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। नीचे पता नहीं अब क्या कैसा मौसम रहेगा, नीचे तो घुटन ही होती है। तो ऊपर तो इस टाइम तो जिस दिन चलती है उस दिन तो ठंडी ठंडी लगती है, पर नीचे ही होती है वो घुटन। फिर वहाँ पिछुआ है उस तरफ की है, हमारे सूरज उस तरफ से निकलता है तो उस तरफ की है। पिछुआ में रख दिया था मैटम, उसको एक आधी चीज़ें रह दी हैं उनको उठा कर रखते हैं और फिर चलते हैं। बेटे ने एलोवेरा मंगाया हुआ है, उसने सिर में लगाना होगा तो उसके लिए थोड़ा एलोवेरा काट के लेकर जाती हूँ। तो जी टाइम हो गया 8:15, कपड़े धोए हैं माँ के आज इतने, कई बार दो जब दो सूट पकड़ा दे, तीन पकड़ा दे, दो मांगूंगी कि माँ कपड़े दो, दो दे देगी तीन दे देगी ना, यही हो रही है मेरे तो यही। फिर हाथ लगे पाछे में, यो कई बार पार लिया, एक बार यो कई बार पार लिया, दो दिन हुए हैं पार दिन, यो कितनी बार पारा है, घर में ही पारा है। आज सारे लियाई उसके निकाल कर, तीन तार भरे हुए हैं, सारे चुन्नी सारे सूट और बेडशीट सबकी मैं उसका हाथ साफ कराया है। बैठे ना दे मैं यूँ बच्चे बैठी रही, तो दो दिन पारा है, 3 दिन पा रहा है, बोल 3 3 दिन पर पार गए ना, फिर भी यूं होगी ना, घर में ही तो पा रहा है, 1 घंटा पार्क में ही तो पार के गई थी। जब उसके खड़े हो गए ना, न्यू काटन लग गए ना, फिर हंसेगी ना, अगर मैं पा रहा था मान लो आज तो तेरे सारे ला, दो बार मशीन लानी पड़ी है। आज उसके कपड़े पाछे ना तीन तार हैं, पीछे तीनों तार भरे हुए हैं। अब घुसती हूँ किचन में, किचन में बीच में कर तो गई थी बेटे के बॉइल कर गई थी आलू, उसने बनाना है अपने सैंडविच, और भिंडी भिंडी काट गई थी। पहले तो सब्जी ही बनाती हूँ, उसके आलू छील छाल के रख रखे हैं। अभी तो अपने बालों में लगाने लग रहा है एलोवेरा वगैरह, ऊपर से एलोवेरा ले आई थी उसका निकाल कर नर पीस दिया था तो लगाएगा, इतना मैं कर देती हूँ। इतने आज है कई काम, क्यों कल फ्रेंड के घर है तीज, तो ड्रेस कोड है तो पूरा हरियाणा इसमें तैयार होना है। तो थोड़ी ही मेहंदी, वैसे मैंने तो नहीं लगानी थी, पर थोड़ी ही बोले सोन के लिए लगा जाना, थोड़ा हा टिक्का हा कर लेना दोनों हाथों के, यूँ एक के दिन में कर लूँगी एक और रात में कर लूँगी। क्यों जब सारियाँ ही का ड्रेस कोड है तो उसमें फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो सभी कोई बोल रहे हैं जैसे किसी का कोई है, तो थोड़ा थोड़ा सोन सब ने करके आना। लड़की की पहली है शादी के बाद ना, पहली तीज पर उड़ाई हुई है तो कर रहे हैं, तो कर लेंगे, दिन में लगा लूँगी, कलर भी दिन में ही देखूँगी, दिन में ही लगाऊँगी। तो अब बना दूँ फटाफट से सब्जी। फिर मैं लगी थी सब्जी बनाने, सब्जी मैं बना रही थी मैं भिंडी, पर मेरे को बोला था सन्स फेवरेट फूड चैनल वाली बहन ने मेरे हिसाब से भिंडी बनाना, तो मेरे को याद नहीं रहा। बनाने के बाद पता लग गया, बहन नेक्स्ट बार ज़रूर बनाऊंगी आप वाली भिंडी में, वो उसमें डाल ली ना, जब ध्यान आया मैंने बहन से प्रोमिस किया था उस वाली बनाऊँगी, पर अब की बार है 2 किलो के करीब आई हुई हैं, तो नेक्स्ट बार आप वाली ही बनाऊँगी। तो फिर सिंक के नीचे को ना थोड़ा वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर दी ललिता, वो लगी थी मैं साफ़ करने। पीछे उस दिन मैंने कलर लगाया था तो एक बहन पूछ रही थी कि कौन सा कलर यूज़ करते हो, तो मैं करती हूँ लोरियल का 4 नंबर होता है जो नेचुरल कलर होता है, तो इसमें जो अपने नेचुरल बाल होते हैं वो ही आएंगे, थोड़ा सा ब्राउन हिस्सा होता है, पर मेरे ब्लैक हैं तो ब्लैक ही रहते हैं। इसमें लगाने के लिए कलर में ये चीज़ें हैं, ये क्रीम है, एक ट्यूब वाली है, एक ये दूसरी है इसे, और बाद में फिर 2 नंबर स्टेप है, जैसे कलर उतारते हैं स्टार्टिंग में तो ये चीज़ है, फिर ये कंडीशनर है, तो ये लगाती हूँ मैं लोरियल का,
स्टार्टिंग में गार्नियर का भी लगाया था, फिर शुरू में जब लगाने लगी, पहले तो मैं मेहंदी लगाने लगी थी, असल में मेरा सारा सिर सफेद है, मेहंदी से किया था, फिर मेहंदी से मेरे बाल एक तोड़के हैं। आज मैंने पूरे सिर में लगाना है, क्यों कल तीज का फंक्शन है और मैं महीने में एक बार तो पूरे सिर में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे 15 दिन में सफेद हो लेते हैं, 10 दिन बाद ही हो जाते हैं असल में ना, जो नए निकलते हैं। एक बार तो मैं पूरे सिर में लगा लेती हूँ, फिर बीच में यूं है आगे को जाक होता है, वैसा सामने सामने को टचिंग सी कर लेती हूँ। तो मैं इसको 3 बार चला देती हूँ, 3 बार चल जाता है मेरा एक बार पूरे सिर में लगाने के बाद। मैं तो अपना जैसे पुरानी चुन्नी है फट थोड़ी ही फट सी गई थी, इसको करके 3-4 तक, क्यों कपड़े पर नहीं गिरेगा, आराम से लग जाएगा। पहले कंघी से सुल जा कर बाल और थोड़े थोड़े हटा कर ना शीशे के सामने अपने आप ही लगा लेती हूँ, ना किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत है ना, और नहीं तो कई बार मेरे ललिता भी लगा देती है। हमारा कुक लग रहा है अपना बनाने, और पूछे है जीरा पकने में कितना टाइम लगता है, और ठंडे फ्राई पैन में घी डाल के ना जीरा डाल दिया होगा ना, इतना टेस्टी बना के निकलेगा, क्या बनावेगा बाद में देखते हैं, इसको पता नहीं है ना, बगैर बताएं सूट कर रही हो, बैक टाइम लगा होगा, इतना मैं अपना सिर धो आती हूँ कलर वाला, फिर दिखाऊंगी क्या बना ही पावेगा। सैंडविच बनाने लग रहा था जब का ये सैंडविच बनाए हैं, बड़े टेस्टी पावेंगे ना, हाथ नहीं लाने देंदा यूँ है मेरा, छेड़ो मत, अंदर डाल रहा है कुछ कुछ अपना चीज़ ज़्यादा, और पता नहीं मैं नहीं मैं क्या क्या डाल रहा है, इस चीज़ के लिए लगा हुआ था जब का। फिर हो गया था दोपहर का खाना का टाइम, मैं लगी थी दोपहर को ना रोटियां बनाने, क्यों सुबह नहीं खाई जाती, तो फिर मैं दोपहर को थोड़ा जल्दी ही बनाने की कोशिश करती हूँ, और हस्बैंड भी कई बार गए हुए थे, वो भी जल्दी आ गए थे, तो इसलिए कुछ और भी जल्दी लगी थी बनाने। टाइम हो गया है 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रही हैं, खाना खा लिया है, बर्तन धो दिए हैं, सारी किचन की सफाई कर दी है, बस अब इस हाथ के लगाऊंगी थोड़े से डॉट डॉट है मेहंदी के, जो कि ज़रूरी है लगाना। अब दोपहर में एक ही हाथ के लगा लूँगी, रात में दूसरे को लगा लूँगी, क्यों बस डॉट ही लगाऊंगी, थोड़ा है इधर कोई लगाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्यों मैंने मना किया हुआ था कि मैं नहीं लगाऊंगी, फिर वो कहे बता भी रही थी मैं मैंने मना करे, फिर बोले थोड़ा थोड़ा लगाया ये, क्यों सभी लगाएंगे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी अब वो लगा लेती हूँ। टाइम हो गया है 4:30, आज सो ही नहीं रही थी, आज गदर देख रही थी, किसी कोई फ्रेंड जाती है दिल्ली टीचर है तो उसने भेजी हुई थी, तो उस वार की वो देख रही थी, तो 2:30 घंटे 2 बजे बैठी थी, अब मैं 4:30 हो गए, एक हाथ का ये लगाई भी थी, ये भी सूख गई, अपना डोट डोट कर लिए थोड़ी सी कर ली, सोन सा हो गया ये भी ज़बरदस्त, जिसने गदर वन देखी होगी तो गदर टू में तो फिर वैसे, और मेरे को गदर वन ज़्यादा अच्छी लगी थी गदर टू की बजाय, पर अच्छी है, गाने गुने अच्छे हैं, सनी देओल की तो एक्टिंग है ही, तो जब सकीना को लेके आए थे अब की बार मुस्कान को ले आई, जब तारा गया था अब जीते चला गया पाकिस्तान में, तो 2:15 से और अब 4:30 बजे तक। मैं चाय बनाने के लिए भी नहीं उठी, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, पूरी देख के ना जब चाय बनाऊंगी पूरी खत्म करके ना, जब मैं चाय बनाने के लिए आई अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, और सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और थैंक यू।